नमस्कार। मकर राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण समाचार आपको देने का प्रयास करेंगे। 10 या 11 सबसे प्रमुख पॉइंट हैं मकर राशि के लिए, जो इस समय मकर राशि को बताना बहुत आवश्यक है। नंबर एक, आप गिनते रहिए, मैं उनकी संख्याओं को 1, 2, 3 करके नहीं बताऊंगा, आप खुद गिन लीजिएगा। माता के लिए कष्टकारक समय चलेगा। मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा अनेक प्रकार की समस्याएं और घरेलू विवाद, इसी के साथ साथ जो नौकरी में उनके लिए ट्रांसफर तथा संतान संबंधी समस्याएं, इसलिए आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी, क्योंकि आपके अगले सप्ताह 2 पाप ग्रह आपके भाग्य स्थान में आपको कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता तथा कष्ट देने के लिए आ रहे हैं। मकर राशि को अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद या वाहन खरीदते समय ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अपने परिवार को जो संगठित करके रखें तथा परिवार में जो कलह है या परेशानी है, संतान संबंधी दिक्कत है, इसके अलावा आपका जो लाभ का स्थान है, उस लाभ के स्थान में प्रॉब्लम करने के लिए जो शत्रु हैं, वो शत्रु बाधा पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले आपके मित्र ही शत्रु बने हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको राहु चतुर्थ भाव में कष्ट देता है। आपके सवारी, मकान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा जो पशु पालते हैं, कुत्ता है, गाय है, उनके लिए भी कष्टकारक समय चल रहा है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने के लिए या नौकरी में है तो आपके ट्रांसफर को कराने के लिए आपके जो शत्रु हैं वो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र करते हैं। ऐसी ग्रह दशा आपकी चल रही है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि भी इस समय वक्री स्थिति में है। 4 नवंबर 2023 को जब ये मार्गी हो जाएगा, अब ये प्लस पॉइंट और खुशी का समाचार है कि आपके लिए स्वतंत्र रूप से शनि काम करेगा। धन स्थान में आपके आय, इनकम, धन वृद्धि और जो संचित धन है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण तथा अनेक प्रकार के सुख देने वाला ग्रह आपके लिए सुख को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेगा। इसी के साथ साथ अन्य अनेक ग्रह जितने भी सुख दुख देते हैं वो प्रभावहीन इसलिए हो जाएंगे क्योंकि मकर राशि के चतुर्थ भाव केंद्र में बृहस्पति राहु चांडाल योग से मुक्त हो जाएगा। जब बृहस्पति चांडाल योग से मुक्त होता है तो उसकी दृष्टि आपके मान, प्रतिष्ठा, जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा और पिता के स्थान पर तथा नौकरी एवं प्रमोशन के स्थान पर होगी। ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों के लिए चारों तरफ से सुख, समृद्धि और अनेक प्रकार की खुशियों के समाचार निरंतर चारों तरफ से आएंगे। इसी के साथ साथ मकर राशि का स्वामी शनि वो मूल त्रिकोण में जब मार्गी हो जाएगा, वक्र गति से चल रहा है अभी, तो जो मार्गी होता है तो आपकी धन, कुटुंब और वाणी स्थान में तरक्की होगी। आप मुख से जो भी शब्द बोलेंगे, आपकी सब लोग, एवरीबॉडी विज लिसन वेरी केयरफुली विच यू विल प्रोड्यूस योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। इसी के साथ साथ आपके संतान संबंधी परेशानियां, माता पिता को जो कष्ट होना है, वो अभी समय 3 अक्टूबर तक चलेगा, इस पर सावधानी रखें। इसी के साथ साथ आप धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। पितृ दोष, इष्ट मित्र, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ दोष की शांति के लिए किसी भी सोमवार के दिन दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो अच्छा होगा।
और 11वां स्थान आपकी कुंडली में या राशि से लाभ स्थान का स्वामी मंगल है। हनुमान जी की उपासना आराधना करें, गणेश जी के मंदिर में 4 लड्डू जरूर चढ़ाएं बुधवार के दिन, तो आपकी मनोकामना या रुका हुआ जो भी कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप 1 सप्ताह बाद इस प्रयोग को करें, आपको लाभ होगा। धन्यवाद। नमस्कार।